तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या अंतर होता है, और इसे एक हम सोशल रिसर्च की सीरीज समझ सकते हैं। अगर आपको रिसर्च की समझ विकसित करनी है और आप सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सोशल वर्क के हों, चाहे आप कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के हों, या फिर अदर किसी भी डिसिप्लिन के हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो भी स्क्रीनशॉट है वो सत्येंद्र त्रिपाठी और अनिल कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक है सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, उसी के कह सकते हैं कंटेंट पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों ये है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसको प्रायः भौतिक विज्ञान की तरह विज्ञान हम लोग मानते हैं या फिर हम लोग उसको समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं मानने से लोग इनकार करते हैं। ओके, मतलब ये आवश्यक हो जाता है कि उसकी तुलनात्मक व्याख्या की जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने हैं, एक तो भौतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर आपको डिफरेंस करके बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलिए हम सभी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है भौतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु भौतिक पदार्थ होते हैं जो मूर्त होते हैं। फिजिकल साइंस जो होता है, सिंपली समझिए कि उसमें जो भी कंटेंट का हम अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, वो जो होगा भौतिक होगा, यानी कि उसका एक आकार होगा, उसका एक रूप होगा, उसका एक कह सकते हैं एक ढांचा होगा जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसको आप किसी जगह रख सकते हैं, किसी जगह आप रख नहीं पाएंगे, हर चीज़ कोई किसी स्थान पर वो होगा, और जो कि दिख सकता है, जो कि दिखेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, भौतिक और मूर्त। इसी से आप समझ सकते हैं कि वो भौतिक विज्ञान का चीज़ें हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में वही क्या है, विज्ञानों के अध्ययन सामग्री व्यक्ति और उनके सामाजिक संबंध होते हैं जो कि अमूर्त होते हैं। व्यक्ति तो आप देख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का, व्यक्ति के किन एस्पेक्ट का, सोशल रिलेशन का। अब एक पति पत्नी है, क्या देख सकते हैं आप उस संबंध को? किसी पत्नी के माथे पर अगर वो हिंदू धर्म से होगी तो आपको वो वहाँ पर सिंदूर या मंगलसूत्र मिल जाएगा। कई अन्य धर्म ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कोई डिनोशन है। आज के डेट में यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा लोग लगाते हैं। तो फिर यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ पर जो स्टडी का जो मैटर है वो व्यक्ति और उसके सोशल रिलेशन है। क्या है? सोशल रिलेशन। तो सोशल रिलेशन कभी भी दिखता नहीं है, आपको ये मन में फिट करना होगा कि सोशल रिलेशन हमेशा अमूर्त होता है। ठीक है, अब जो अगला है वो है भौतिक विज्ञान प्राकृतिक पदार्थों में भौतिक नियमों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? भौतिक नियम का, जो फिजिकल रूल्स हैं कह सकते हैं, उनका पता लगाते हैं, है ना, नेचुरल चीज़ों में। नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर की चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एक नारियल का पानी है, तो उस नारियल के पानी में या फिर नारियल में पानी कैसे आया, इसका पता लगाते हैं। पानी धरती पर है, पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर ही क्यों पानी है, इसका पता लगाएंगे। शरीर में हमारे लाल खून ही क्यों है, इस तरह जितनी चीज़ें हैं, जो भी प्राकृतिक पदार्थ है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, वही सोशल साइंस में हम मनुष्य उसके व्यवहार से संबंधित नियमों का पता लगाते हैं। समझ रहे हैं, जो भी ह्यूमन बींग है उसके जो भी बिहेवियर है, आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही घर में एक ही माँ के बच्चे, माँ बाप का बच्चा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग रंग रूप का होता है, दोनों अलग अलग विचार के होते हैं। हम अपने आप को ही ले, हमारा भाई जो है वो अलग है, मैं अलग हूँ, आप जो हैं आपके घर में, आप जिसके बेटे हैं आप खुद, उससे आप अलग होंगे, तो उसके व्यवहार का और उससे संबंधित जो भी नियम है उसका जो अध्ययन होता है वो होता है कहाँ पर? सोशल साइंस। अब जो तीसरा है वो है भौतिक तत्वों में भौतिक संबंधों की प्रधानता होती है। जो भी फिजिकल आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है, जो भी फिजिकल आपके पास सामान है, तत्व है, एलिमेंट है फिजिकल, उसमें फिजिकल रिलेशन क्या है, उसकी क्यों प्रधानता, उसकी प्रधानता क्या है, उसकी फिजिकल
रिलेशन की उसकी वैल्यू क्या है नहीं है, क्यों उसी की ज़रूरत है, पानी ही हम क्यों पीते हैं, बिना पानी पिए हम क्यों नहीं रह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सामाजिक तत्वों में मनोवैज्ञानिक संबंध पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करें कि सोशल साइंस में जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक जो संबंध होते हैं वो पाए जाते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं ये मनोवैज्ञानिक क्या संबंध है, क्या हमारे पास इस तरह के चीज़ें हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। वहीं भौतिक विज्ञान के तत्व विश्लेषण के लिए अलग अलग विभाजित किए जा सकते हैं, यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि उसका विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग रूप से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं भौतिक विज्ञान में। वहीं सामाजिक विज्ञान के तत्व अध्ययन के लिए भौतिक तत्वों की तरह विभाजित करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ तोड़ नहीं सकते हैं, माँ को अलग, बाप को अलग, पिता को अलग, बेटी को अलग, सबको संबंध को तोड़ के नहीं दे सकते हैं, आपको समग्रता में चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब अगला जो पांचवा है उसमें आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञानों में यथार्थता का अंश अधिक होता है, क्या होता है, यथार्थ चीज़ें अधिक होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि H2O बन रहा है या ऑक्सीजन है या चीज़ें जो है आपके सामने है और एकदम एक्यूरेटली है, हो रहा है तो हर बार हो रहा है, वहीं सामाजिक विज्ञान में भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा यथार्थता का संबंध कम होता है, एक ही जगह एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति टॉप करता है तो उसका अलग वो होगा और वहीं दूसरा अलग होगा, ये नहीं समझते हैं कि टॉप किया है तो वो हंसेगा ही, कोई रो भी सकता है, कोई कुछ हो सकता है, ठीक है, कई चीज़ें हैं। भौतिक विज्ञानों के अध्ययन में पूर्ण तटस्थता एवं निष्पक्षता बरती जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप एक जो भी चीज़ है गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो कोई भी समाज आप जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा, एक कॉमन रूल है, सिद्धांत है, तो ये हर जगह तटस्थ है, कुछ चीज़ों में नहीं होगा, जैसे कि आप कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें अपवाद होगा, लेकिन अमूमन 99.99% में यही नियम चलेगा, लेकिन समाज वैज्ञानिक अध्ययन पूर्ण तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हो सकता है क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं भी समाज का अंग होता है। अब मान लीजिए आप एक लड़का हैं और आप लड़कों पर अध्ययन कर रहे हैं कि लड़का लड़कियों पर अत्याचार करता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप खुद उसका अंग होने के कारण, आप खुद वो होने के कारण आप अपने को सेफ साइड रखेंगे और हो सकता है कि आप उसको वो नहीं मानेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आपका जो अध्ययन है वो तटस्थ और निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। वही यहाँ किसी समाज पर कर सकते हैं, किसी जाति पर कर सकते हैं, तरह 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 की चीज़ों पर देखेंगे तो हो सकता है आपके जो निर्णय होंगे कंक्लूजन होगा वो अलग हो सकता है। भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, यहाँ पर आप कई अध्ययन कई एक्सपीरियंस के आधार पर आगे भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मौसम की ही भविष्यवाणी हम देखते हैं और तमाम तरह की चीज़ों पर हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पॉसिबल है वो, लेकिन अब आप इसको लागू करेंगे समाज विज्ञान में तो समाज विज्ञान भी भविष्यवाणी कर सकते हैं परंतु तथ्यों की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण इनकी भविष्यवाणी भौतिक विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणी की तरह सर्वदा के लिए सत्य नहीं सिद्ध हो सकती है। फिर मैं एक उदाहरण लूँगा परीक्षा को लेकर, पिछले परीक्षा के परिणाम को देखकर आप कह सकते हैं कि इस बार हो सकता है जो पीछे टॉप किया तो वही करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब रहा, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे कि उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो आपकी भविष्यवाणी है वो गलत साबित होगी, ठीक है। वहीं अब यहाँ पे भौतिक विज्ञान के तथ्यों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है ना, लेकिन समाज विज्ञान के अध्ययन सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों का परिवर्तन की संभावना होती है तथा समाज विज्ञान ने अपनी प्रयोगशाला संपूर्ण समाज को मान रखा है। अब किसी माता पिता को कौन से प्रयोगशाला में ले जाएंगे और उसके आधार पर क्या निर्णय निकालेंगे, तो पूरा समाज ही एक प्रयोगशाला है, आपको वहीं सब चीज़ें करना है, अलग से कुछ लैब टाइप का सीन यहाँ पर नहीं है इसकी तरह में, ठीक है। अब जो आखिरी यहाँ पर आपके सामने है भौतिक विज्ञान के तथ्य मापे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ माप सकते हैं, आप इसकी दूरी माप सकते हैं, इसकी लंबाई माप सकते हैं, चौड़ाई माप सकते हैं, किसी की खुशी को आप कैसे मापेंगे, अगर वो जिस चीज़ पे खुश हो रहा है अगला भी उसी चीज़ पे खुश हो उसको कैसे मापेंगे, मान लीजिए कुछ पैमाना लगा भी देंगे तो भी वो एक्यूरेट नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान में मापने की पद्धतियों का क्रमशः विकास हो रहा है तथा सामाजिक विज्ञान के सभी तथ्यों का यथार्थ मापन भौतिक तथ्यों की तुलना संभव नहीं है, है ना। तो आज जो हमने दोस्तों देखा वो देखा कि सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर क्या होता है और थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश की। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो भी देखिए प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिनन हम देखते हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती है
और जो सोशल घटनाएं होती है दोनों में अंतर होता है। प्राकृतिक घटनाएं मतलब सिंपल समझिए कि जिनका नियंत्रण प्रकृति के हाथ में होता है, ठीक है। प्राकृतिक कोई भी घटना है तो उसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते, जैसे बारिश हो रही है उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक घटनाएं हैं, कहीं लड़ाई हो रही है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, वहाँ पर किसी गुस्से को शांत कर सकते हैं, उसकी बात को माना जा सकता है, उसकी चीज़ों को किया जा सकता है, और मानवीय संबंध के ऊपर आधारित होती हैं, ठीक है। इनका विश्लेषण जो होता है वो कई तरह से सोशल साइंस में हम कर सकते हैं, और वहीं नेचुरल फिनोमिना का हम जो भी विश्लेषण है वो प्राकृतिक घटनाओं के रूप में करते हैं, ठीक है। तो आज के विषय में मैंने आपको दो चीज़ें बताया दोस्तों, सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में अंतर बताया, और थोड़ी सी समझ आपको मैंने देने की कोशिश की। आगे भी हम इस टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे और सोशल रिसर्च को विस्तार से, इसके क्या मेथड्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, हर चीज़ हम जानेंगे पूरे तरीके से, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। ये बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप भी हंसते रहिए इसी तरह से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट में बताइए आपको और क्या पढ़ना है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।